बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुबाब, टीचर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7। डियर स्टूडेंट्स, आज आप नंबर 19 ओपन कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इरोजन। इरोजन का मतलब है कटाव। द थिनिंग एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज इरोजन। ज़मीन की सतह का पतला होना और एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने को इरोजन कहते हैं। This process is mostly done by rivers, glaciers, winds and coastal waves. ये जो अमल है ये ज़्यादातर दरियाओं से, ग्लेशियर से, हवा से और साहिली लहरों से अंजाम पाता है। Therefore, these are known as the factors of erosion. इसीलिए ये erosion के अनासिर से जाने जाते हैं। These factors also transport the broken parts of rocks from their original places to new areas. ये जो अनासिर हैं ये चट्टानों के टूटे हुए मवाद को उनकी असली जगह से किसी और नई जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन इरोजन। मुंतकिली इरोजन में बहुत ही अहमियत रखती है। इट टेंड्स टू मूव द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स। ये चट्टानों के मवाद को दूसरी जगह पर मुंतकिल करती है। व्हेन दिस मूवेबल मटीरियल ट्रेवल्स ओवर अदर रॉक्स, इट्स breaks them and scratch their surfaces and peel them off. During transportation, small pebbles and boulders collide with each other and ultimately break down into small pieces. जब ये काबिल हरकत मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा होता है, मुंतकिल हो रहा होता है, तो इसमें छोटे छोटे पत्थर और बड़े गोल पत्थर आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सतह होती है वो स्क्रैच होती है और उनकी ऊपर वाली जो सतह है वो छिलती रहती है। आखिरकार वो टूटते टूटते छोटे छोटे ज़रात में तकसीम हो जाते हैं। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट इरोजन स्टार्ट्स आफ्टर वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग। ये लाजमी याद रखना है कि जो इरोजन है वो वेदरिंग और मास वेस्टिंग के बाद स्टार्ट होती है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का टूट फूट जाना, और मास वेस्टिंग है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मटेरियल का चट्टानों के ऊपर से नीचे की तरफ सिरक आना। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं फिर इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी मवाद का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। Rocks present at Earth's surface get weakened due to weathering. जो rocks ज़मीन की सतह पर मौजूद होती हैं वो weathering की वजह से कमज़ोर होती हैं। Their upper surface separates from lower surface. इनकी ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह से अलहदा हो जाती है। This debris washes away with rivers, winds and glaciers. ये जो मवाद है वो दरियाओं, हवाओं और ग्लेशियर से बह जाता है। दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द डेब्रिस एंड डिपॉजिट इट एट सम अदर प्लेसेस। ये जो अनासिर हैं ये इस मवाद को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। मास वेस्टिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ रॉक्स मटीरियल फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मास वेस्टिंग यानी तोदी ज़िया कहते हैं रॉक्स के मटीरियल का ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले इलाकों में ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिरक आना। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच मैटर ऑन अर्थ सरफेस बिकम्स वीक। वेदरिंग है ज़मीन के ऊपर जो मवाद है उसका कमज़ोर हो जाना। ड्यू टू मास वेस्टिंग दिस मास मूव्स डाउनवर्ड्स। मास वेस्टिंग की वजह से ये जो मवाद है ये नीचे की तरफ आता है।